विदेशी बाजारों में खाद्य तेल के भाव टूटने से दिल्ली तेल तिलन बाजार में आयातित तेलों के साथ साथ सभी देसी तेल तिलनों पर दबाव कायम हो गया है। इससे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तेल तिलहन, बिनोला, सीपीओ और पामोलिन में गिरावट आई है। मिली जानकारी के मुताबिक विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम टूटने से तभी सभी तेल तिलहन कीमतों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। जानकारों का कहना है इसकी वजह है सरकार की तेल आयात के संबंध में अपनाई गई कोटा प्रणाली। कोटा प्रणाली लागू होने के बाद बाकी आयात ठप पड़ने से बाजार में कम सप्लाई की वजह से सूरजमुखी और सोयाबीन तेल उपभोक्ताओं को पहले से कहीं अधिक दाम पर इनकी खरीदी करनी पड़ रही है। पिछले साल सोयाबीन और सीपीओ के भाव में जो अंतर 10 से 20 रुपए का होता था वो इस साल बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। पामोलिन तो इस कदर सस्ता हो गया है कि इसके आगे कोई तेल टिक नहीं पा रहा। यही वजह है कि सर्दियों की मांग होने के बावजूद खाद्य तेलों के भाव में भारी दबाव नीचे में देखने को मिल रहा है और यही हाल बिनोला का भी है। विदेशी बाजारों में बिनोला की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही किसान इस रेटों में बिक्री के लिए मंडियों में कम आवक ला रहे हैं, जिसके चलते जिनिंग मिले चल नहीं पा रही जो बिनोला से रुई और नरमा को अलग करती हैं। छोटे उद्योगों की हालत बहुत ही खराब है। कोटा प्रणाली से किसान, तेल उद्योग और उपभोक्ताओं में से किसी को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसान है और उसके बाद उपभोक्ता और फिर तेल उद्योग का स्थान है। इन सभी के हितों में समुचित सामंजस्य कायम करने में बड़े तेल संगठनों की अहम भूमिका होनी चाहिए, लेकिन कोटा प्रणाली से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा, यानी खाद्य तेलों के दाम सस्ता होने के बजाय महंगे हो रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। देश के प्रमुख तेल संगठनों का दायित्व बनता है कि वे सरकार को जमीनी सच्चाई बताएं और समुचित रास्ते के बारे में परामर्श दें। वहीं जानकारों का कहना है कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार को बहुत प्रयास करने होंगे और इसके लिए खाद्य तेलों का वायदा कारोबार को न खोलना इसका सबसे बड़ा कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।